It says that in a quadrilateral ABCD, so first of all we draw quadrilateral ABCD, ABCD, right? So we have to find the angles of the quadrilateral. We have to find the measurement of each angle. So this is a quadrilateral. So we know that due to angle sum property, angle A plus angle B plus angle C would be 360 degree. The sum of the all the four angles of a quadrilateral is 360 degree, right? So and here ratio is given, angle A, angle B, angle B, angle C, angle D. जो रेशियो आपको वो 2:4:5:7 गिवन है. हम लेट करते हैं, लेट x बी कॉमन रेशियो. कॉमन रेशियो, जब रेशियो का जब कॉन्सेप्ट आएगा ऐसा, ठीक है, तब हम x कॉमन रेशियो लेकर चलेंगे और वहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. एंड आफ्टर दैट जो भी हमें x की वैल्यू मिलेगी, हम x को रिप्लेस करेंगे तो हमें पर्टिकुलर एंगल की वैल्यू मिल जाएगी. सो लेट x बी द कॉमन रेशियो. सो एंगल A वुड बी इक्वल टू 2x, एंगल B वुड बी 4x, एंगल C वुड बी 5x एंड एंगल D आपका 7x हो जाएगा. अब जो ये फर्स्ट इक्वेशन है, सपोज कीजिए दिस इज फर्स्ट इक्वेशन. सो अगर एंगल B, एंगल C और एंगल D, ठीक है, पर्टिकुलर एंगल को हम 2x, 5x, 4x और 7x से रिप्लेस करेंगे. सो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D, द सम ऑफ द ऑल द फोर एंगल्स वुड बी 360 एंड एंगल A वुड बी रिप्लेस्ड बाय 2x, एंगल B 3x, 4x and 7x. 2, 4, 6, 6 and 5, 11, 11, 7, 18. So 18x would be equal to 360. And finally, मुझे x की value जो मिलेगी, वो कितने मिलेगा? 20 degree. Now I can find out easily the value of the each of the angle, right? Here you can see that angle A equal to 2x. तो x की value में कितना 20 मिला है? तो angle A कितना हो जाएगा? 40 degree. Angle B equal to 4x, it means x is 20, so 4 multiplied 20, 4, x ki value kitni 20, so 4 multiplied 20, 80 degree, so I will get 80. Here C is 5x, so I will get here 100, and D is 7x, so I will get 7 multiplied to 140 degree. So in this way, okay, I have find the value of the all the angles. So you can see from here, okay, now start the example second. In quadrilateral ABCD, right, you have given quadrilateral ABCD. फिगर 8.11, एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 140, एंगल ए और एंगल सी के बीच का जो रेशियो है 1:3, एंगल बी इज टू एंगल डी है 5:6. सो फाइंड द एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी. वी हैव टू फाइंड आउट हियर द वैल्यू ऑफ द ईच ऑफ द एंगल्स, राइट? सो ए बी सी डी इज क्वाड्रिलेटरल, सो अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी वी कैन राइट एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल टू 360 degree, right? So angle A plus angle C, angle B plus angle D, 360 degree. Angle A और angle C की value दोनों का sum आपको given है. So sum of the angle A and C is 140 degree plus angle B plus angle D equal to 360 degree. So angle B plus angle D would be 360 minus
140, ओके, दिस इज 140, यू विल गेट हियर 220, राइट? सो यू हैव गिवन हियर एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 140, राइट? एंड वन मोर कंडीशन इज गिवन दैट एंगल ए और एंगल सी का जो रेशियो है दोनों के बीच में वन इंचू थ्री है. तो यहाँ से लेट करेंगे कि कॉमन रेशियो, यहाँ से लेट द कॉमन रेशियो बिटवीन ए एंड सी इज एक्स. लेट एक्स बी कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो, राइट? कॉमन रेशियो शॉर्ट फॉर्म में लिखा मैंने. सो एंगल ए की वैल्यू एक्स एक्स मिलेगी 1x, प्लस एंगल सी की वैल्यू आपको 3x मिलेगा, बिकॉज 3 इज हियर 3x, दैट वुड बी इक्वल टू 140. फाइनली आपको 4x की वैल्यू 140 मिलेगा एंड यू कैन सॉल्व फॉर x. सो x विल बी 45 डिग्री. इफ x इक्वल टू x इक्वल टू 35, देन यू कैन फाइंड आउट द एंगल ए. एंगल ए इक्वल टू, बिकॉज एंगल ए इक्वल टू एक्स, सो एंगल ए वुड बी 35 डिग्री एंड एंगल एंगल सी विल बी 3 मल्टीप्लाई 35, इट मीन्स इट मीन 105. सो यू कैन वेरीफाई आफ्टर द सॉल्विंग द वैल्यू ऑफ एक्स एंड पुटिंग रिप्लेस एक्स बाय 35. That is sum of the angle AN plus C should be 140. So 35 plus 105. So 35 और 105 को अगर हम ऐड करें यहाँ तो हमें 140 मिल रहा है. ठीक है, 140 मिल रहा है. इसके मतलब हमने जो भी किया है दैट इज अ राइट वे. ओके, सो नाउ हम स्टार्ट करते हैं एंगल बी और एंगल डी की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, उसके लिए हम स्टार्ट करेंगे. तो यहाँ से मुझे एंगल बी प्लस एंगल डी मुझे कितना मिला था, दोनों का सम 220, बिकॉज सम ऑफ द एंगल्स एंगल ए एंड सी जो 140 गिवन है वो मैंने 360 में से माइनस कर दिया तो मुझे 220 मिला है, राइट? नाउ द रेशियो बिटवीन दीज टू एंगल इज 5:6. सो एक्स बी द कॉमन रेशियो, सो एंगल बी वुड बी 5x, एंगल डी वुड बी 6x. ओके, नाउ 5x और 6x का अगर मैं सम निकालूंगा दोनों का मैं सम निकालूंगा 5x प्लस 6x, दैट वुड बी इक्वल टू 220, बिकॉज द एंगल सम ऑफ द एंगल बी एंड डी इज 220. ओके, यू कैन फाइंड आउट, यू हैव फाइंड आउट ऑलरेडी. सो हियर विल बी 11x वुड बी इक्वल टू 220. So you can find out the value of x here, 20. Now you can replace this x by 20. So angle B would be, so angle B ki jo value hai wo kitna ho jayega, 100, right? Because you can put here the 20. So 5 multiply 20. In the same way you can put here 20 and 6 multiply 20 would be 120. तो फाइनली आप क्या लिखोगे, फाइनली आप लिखोगे कि एंगल बी की वैल्यू है 120 एंड एंगल डी की वैल्यू है 120. एंगल बी 100,